अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको बनाना सिखाएंगे एक वाटर बोर्ड। ये वाटर बोर्ड हम एक प्लास्टिक की बोतल से बनाएंगे और आप भी इसको अपने घर पर बना सकते हैं और अपने घर वालों को और छोटे छोटे बच्चों को बता सकते हैं कि हम भी बना सकते हैं, हमें भी कुछ टैलेंट है और ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। मेरा नाम शरीफ, आप देख रहे हैं मिस्टर शरीफ क्रिएटिव यूट्यूब चैनल। चलिए आपको ये वाटर बोर्ड बनाना सिखाते हैं। मैंने एक खाली कोका कोला की बोतल ले ली है, फिर हम इसका ढक्कन भी उतार देंगे और उसके बिल्कुल ही मिड में मैं इसका एक होल कर दूँगा। होल हम क्रॉस कर देंगे, दोनों साइड कर देंगे। आप सोल्डरिंग आयरन की मदद से भी कर सकते हैं, मैं ड्रिल मशीन की मदद से कर रहा हूँ। देखिए मैंने दोनों साइड इसके होल कर दिया है बिल्कुल ही बराबर। और मैंने एक एक्सल ले लिया है, दो रबड़ बैंड ले लिए, फिर हम इसमें एक्सल के ऊपर ये रबड़ बैंड इस तरह बांध के गांठ लगा देंगे। कुछ इस तरह आप इसमें भी गांठ लगा सकते हैं, बहुत ही मजबूत गांठ है। फिर इसके ऊपर हम सुपर ग्लू की दो बूंदें फेंक देंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। आप एक रबड़ बैंड भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दो से इसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी, ये जल्दी स्पीड से हमारी बोर्ड चलेगी, इसलिए आप एक रबड़ बैंड यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसकी बोर्ड की क्रॉस करेंगे, बाहर एक्सल निकालेंगे। एक्सल निकालना बहुत ही आसान है, पहले हम इसके अंदर एक्सल को डालेंगे, फिर थोड़ा इसको बोतल को दबा देंगे तो हमारा एक्सल उस होल से बाहर निकल आएगा। कुछ इस तरह देखें, बहुत ही आसान है एक्सल को क्रॉस करना निकालना। देखिए मैंने इसको निकाल लिया दोनों साइड, और मैंने तीन ढक्कन ले लिए, एक अपना बोतल का था, दो मैंने एक्स्ट्रा ले लिए। तीनों के मैं बिल्कुल ही मिड में होल कर दूंगा, दो में छोटा करेंगे, एक में थोड़ा सा बड़ा होल करेंगे हम। तीसरे में भी मैं होल कर देता हूं अभी। देखिए मैंने तीनों में होल कर दिया है और एक में बड़ा किया, दो में छोटा होल किया, क्योंकि दो में हम एक्सल में लगेंगे, एक हम इससे हम अपना रबर क्रॉस करेंगे। रबर क्रॉस करने के लिए मैंने एक धागा ले लिया है, फिर इसको धागे को खींच के उस बोतल के ढक्कन से बाहर निकाल के फिर इसको धागे को जो खींचेंगे हम इसके साथ हमारा रबड़ बैंड भी खींचा आएगा। कुछ इस तरह एक्सल निकाल के फिर हम इसको कुछ इस तरह खींचेंगे जो हमारा इसके रबड़ बैंड भी बाहर आ गया। फिर मैं इसको थोड़ी सी छोटी लकड़ी का टुकड़ा इसमें लगा दूंगा, फिर मैं इसमें गांठ लगा के सुपर ग्लू लगा के इसको टाइटली बंद कर दूंगा। मैंने रबड़ बैंड को लकड़ी के टुकड़े पर सुपर ग्लू लगा के उसको अच्छी तरह चिपका दिया है। अभी इसको ढक्कन को बोतल पर लगा के इसको बंद कर देते हैं, फुल टाइट बंद कर देंगे। और मैंने एक कैप ले ली थी जो हमने जिसमें होल किए थे दो, उसमें हम चार होल बनाएंगे। कुछ इस तरह देखें, कटर की मदद से ऊपर रख के बाद में आप इसको थोड़ा दबाएंगे, जहाँ से थोड़ी से ठोकेंगे ये इसमें होल हो जाएगा। जिस तरह देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं इसमें होल हो गई, लेकिन ये अच्छी तरह नहीं हुए। दूसरा मैंने पी वी सी पाइप के कुछ दो टुकड़े ले लिए, फिर मैंने तीन तीन सेंटीमीटर के हिसाब से मार्क करके काट देंगे। तीन सेंटीमीटर के हिसाब से हम मार्क मार्क करके आठ टुकड़े काट लेंगे। देखिए मैंने इसको इसको थोड़ा फिनिशिंग देके इसके थोड़े होल बड़े कर लिए। देखिए मैंने आठ टुकड़े काट लिए पी वी सी पाइप के, आप प्लास्टिक की बोतल के भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे, एक एक करके इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ। कुछ इस तरह हम इसमें लगा के देंगे, थोड़ा होल बड़े कर देंगे जैसे इसमें आसानी से फिट आ जाए। फिर हम इसके ऊपर सुपर ग्लू लगा के इसको अच्छी तरह बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर सुपर ग्लू ग्लू भी भर सकते हैं, लेकिन फिर वो हेवी हो जाएगा। देखिए मैंने दोनों के पी वी सी पाइप के टुकड़े जोड़ दिए, अभी मैं एक्सल में इसको लगा देता हूँ। दोनों को मैं एक्सल में लगा देता हूँ। देखिए मैंने दोनों को एक्सल में लगा दिया, अभी सुपर ग्लू के दो दो बूंदे इसमें डाल दूंगा, जैसे ये अभी पकड़ लें, इसमें ग्रिप कर लें। दूसरा मैंने एक छोटा सा पी वी सी पाइप का टुकड़ा ले लिया है और एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है। अभी हम इसका स्ट्रिंग बनाएंगे, आगे पीछे होगा तो फिर हमारा ये मूव करे, उधर जाए उधर मूव करे। दूसरा मैंने स्ट्रॉ ले लिया है, फिर उसके पीछे मैं बोतल के लगा दूंगा, सुपर ग्लू से लगा के देंगे इसमें। देखिए मैंने अपना ये स्ट्रिंग इसके बाहर निकाल लिया है, फिर इसके ऊपर मैं सुपर ग्लू लगा के एक छोटा सा पी वी सी पाइप का टुकड़ा उसके ऊपर चिपका दूंगा, जैसे इसको हम आगे पीछे साइड इधर उधर कर सकें, लेफ्ट राइट कर सकें इसको, सॉरी लेफ्ट राइट कर। देखिए हमारे बिल्कुल बोर्ड तैयार हो चुकी है। आप स्ट्रिंग को इधर उधर करके लेफ्ट राइट करके बोर्ड को लेफ्ट राइट कर सकते हैं, फिर हम इसको थोड़ा नीचे दबा देंगे तो फिर ये लॉक हो जाएगा स्ट्रिंग हमारा। अभी हम इसको रिवर्स की तरफ घुमाएंगे तो ये आगे की तरफ चलेगा, अगर हम इसको आगे की तरफ घुमाएंगे इधर ये रिवर्स की तरफ हमारी बोर्ड चलेगी। मैं भी इसको पीछे की तरफ घुमा के इसको छोड़ देता हूँ। देखिए हमारी बोर्ड बिल्कुल ही ज़बरदस्त वर्क कर रही है, आप देख सकते हैं इसकी टेस्टिंग।
अब मैं आपको पीछे की तरफ भी इसको घुमा के दिखाता हूँ, ये पीछे की तरफ भी किस तरह घूमती है। देखा आपने आगे की तरफ बहुत ज़बरदस्त घूम रही थी, चल रही थी। देखें पीछे की तरफ भी ज़बरदस्त चल रही है, देख सकते हैं आप। हमारा टब थोड़ा तंग है इसलिए ये बोट हम अच्छी तरह चल नहीं सकती, थोड़ा आपको खुला चाहिए तो पानी फिर उसमें बहुत ही ज़बरदस्त चलेगी और मज़ा भी देगी। आगे की तरफ फिर से चला के दिखाता हूँ आपको कि बहुत ही आसानी से चल रही है। आप भी इसको घर पर बना सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतनी थी। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मुझे दीजिए इजाज़त। पर बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।